આપણે ઉતાવળ કરીશું નહીં, આપણા નવો નવા નવા બેસી કરતા જોઈ નાખું અને ખાવાનો ખાડો Hey, oh my.
तो वेलकम भाई, ये यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक भाई आए हुए हैं। उनसे तो अच्छा, तो इनसे डायरेक्टली मतलब कि बात करते हैं, क्या मतलब कि बताना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। सो इनका हम लोग संदेश पूरे भारत में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मतलब कि ये चीज़ जो समझाएंगे वो आपने मतलब कि अगर समझ लिया तो ये एनिमल के लिए बहुत ही बेनिफिट है। सो चलते हैं उनसे ही मतलब कि डायरेक्टली बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? पंकज पटेल, पंकज भाई गिरीश भाई पटेल। बराबर, तो आप मतलब कि ये जंगल के बारे में आप तो ज़्यादा जानते हो। ज़्यादा जानते हो, तो आप मुझे थोड़ा सा और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जंगलों में कैसे मतलब कि आप लोग नौकरी करते हैं, तो क्या क्या मतलब कि दिक्कत आती है, और साथ ही साथ मतलब कि एनिमल में क्या है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ना प्रमुख सी थी, उसमें हो ना कुछ भी है ना, जो रेस्क्यू करने के लिए साहब वो हाथ रहते हैं, अजगर रहते हैं और नाग रहते हो, और जो कुछ भी रहते हैं वो उसका हमें रेस्क्यू करके हम जंगल में छोड़ देते हैं। बराबर, मतलब आप पकड़ते हैं और बाद में मतलब कि जंगल में छोड़ देते हैं। तो ये मतलब कि जंगलों में कैसे मतलब अभी अभी फिलहाल कितने मतलब कि अपने भारतवर्ष में कितने जंगल बचे हुए हैं? अभी जंगल में तो क्या है, अपने वास्ता नेशनल पार्क नजदीक में रखा है। बराबर, और कान्हा नेशनल पार्क है अपने MP में रहा, और अपने चेन्नई में रखा है। चेन्नई में भी वो कितने भी सांप रखे हो, वैसे किंग कोबरा वैसे वगैरह का सुखा, कोई लेपर्ड तो हमारे गुजरात में भी है यहाँ पे, वो भी है। उसका जो लेपर्ड का जो अभी आतंक मचा रखा है गांव में, हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है, दो तीन लोगों का इंजर्ड किया गया था। उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। इंजर्ड किया था
हम भी गए थे रेस्क्यू करने लिए। अभी एक जंगली डुक्कर, जंगली फोन, वो भी हमारे जो घर में खेती वगैरह है ना, उसमें जो उसमें का बगाड़ जो नुकसान कर रही है खेती में सब, मतलब कि खराब करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मतलब कि पकड़ते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि यही जगह पे मतलब कि ये जानवर पर्टिकुलर यही जगह पे मिलेगा, ऐसे आप लोगों को कैसे पता चलता है? जहाँ पे हरियाली पानी रहती है ना, वहाँ पे पानी पीने के लिए आती है, जो वो इसीलिए जो गाँव में घुस जाती है। अभी गाँव में क्या है, जंगल में कुछ रहा ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं, जो जो जंगल वो जो झाड़ पेड़ वैसे रहते है ना, वही कुछ है ही नहीं। अभी जंगल में से बाहर निकल आया गांव में, और गांव को तकलीफ पड़ रही है अभी। हाँ। कि बच्चे लोग अभी जो जहाँ पे रहते हैं, हाँ। तो वहाँ पे टाइप मर के रहते हैं, मतलब। हाँ, सही बात है। हाँ। तो मेरे हिसाब अगर आप बताइए कि अभी मतलब जंगल कम हुए हैं कि बढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से? जंगल में अभी कुछ कम हो नहीं रहा, कम अगर पूरा कम हो गया तो अभी जंगल बचाने के लिए हम लोग ने जब भी पेड़ लगाए थे लगभग वो सब लुखाड़ के ऐसे ना जंगल जमीन के लिए। हाँ। जो जंगल जमीन अभी साफ करने लगे, हमारे गांव के भी लोग हैं वहाँ भी, दूसरे गांव के लोग भी है, अभी उसको बचाने के लिए सब मीन के उसको जोड़ना पड़ेगा बराबर। हाँ। मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर हर आदमी अगर साथ दे तो ना जानवर को प्रॉब्लम होगी ना ही इंसान को प्रॉब्लम, तो मतलब सब लोग मिलके अगर एक मुहिम उठाया जाए, बनाना पड़ता है सही बात है, उसमें एक झूट बनाना पड़ता है सही बात, क्योंकि जंगल भी बचाना है। हाँ। और हमारे खेती भी बाड़ी भी समझना पड़ता है। हाँ। और जो नजदीक का जो सांप भी रहता है ना, वो खेड़ का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सही बात। जो उसको जो काटेगा वैसा नहीं कुछ है। नहीं काटेगा, डॉक्टर का भी प्रॉब्लम नहीं, उसको जो काटेगा ना उसमें पैर रखेगा तो उसको नुकसान पहुँचाएगा तो ही होगा। जो कुछ भी अभी लेपड़ अपने यहाँ पे लेपड़ ही रहते हैं, दीपड़ा। हाँ। जो गुजराती में लेपड़ा। हाँ, दीप। हाँ। उसमें बोलता है उसको जो कुछ भी नुकसान पहुँचाएंगे ना तो सब उसको पचन पे होगा बराबर। हाँ। मतलब इंसान को नुकसान पहुँचाने के लिए ये जानवर नहीं बने, इंसान को नहीं है। हाँ। हाँ, इंसान नुकसान करेंगे ना तभी उसको, सही बात, जो सब जानवर लोग को उसको नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ। उतना मेरा तो आपके हिसाब से जंगल बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जो करना है तो जागृति करना है, जो आदिवासी सेना के जो अभी आदिवासी का प्रोग्राम रखा है वो उसमें। हाँ। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है। हाँ। उसमें जो हमारा जो तुरंत डूंगर है देव पूजा करने के लिए रखा है बराबर, उसमें मैंने मेरा जो रखा था मैंने उसको जागृति के लिए मैंने रखा था बराबर, कि कोई भी जानवर को मारे नहीं। हाँ। उसको नुकसान नहीं पहुंचाए ऐसा लगे तो हम है। हाँ। उसको हम ऐसा लगे तो हमारा कॉल नंबर भी रखा है मैंने बराबर। आपका एक बार नंबर बता दीजिए अगर। हाँ। वासदा विस्तार में अगर किसी को भी अगर कोई ऐसा जानवर दिखे, अजगर हो या फिर कोई भी ऐसा सांप हो या कुछ भी जानवर हो, तो ये भाई का मैं आपको नंबर इनसे मतलब इनसे पूछ लेता हूँ और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपका सर आपका नंबर बताइए। हाँ, 797 सेवन 26 73 4131 बराबर। हाँ, आपका नाम क्या है? पंकज भाई, क्रिश भाई पटेल सर। देखिए पंकज भाई से आप संपर्क कर सकते हैं वासदा विस्तार में कहीं पे भी। वासदा से कितने किलोमीटर तक मतलब कि आप जा सकते हैं? पूरा ये गुजरात जो वासदा तालुका में पूरा में रखते हैं, मतलब पूरा वासदा तालुका में किसी की भी अगर जगह सांप अजगर या कुछ भी निकले तो आप मतलब कि पंकज भाई को संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानवर जो लेपर निकले। हाँ। और अजगर और जो जंगली डुक्कर भी है यहाँ पे वो करता है। हाँ, सही बात। वो भी कोई भी जानवर एनिमल में कुछ भी आता है वो सब लोग हमें कांटेक्ट कीजिए बराबर। हमारे टीम भी हम नहीं पहुँच सकते है लेकिन हमारी टीम भी पहुँच जाएंगे। हमारी जो हमारे जो गवर्नमेंट में पूरे इंडिया में हम घूम सकते हैं बराबर। हमारे ये ट्रेनिंग भी ली। हाँ, चेन्नई में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, जो हमारे किंग कोबरा भी हुआ यहाँ पे तो ये ही नहीं बराबर, लेकिन इंडियन कोबरा यहाँ पे है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए सर कि अपने यहाँ जो वासदा विस्तार है या फिर अपने ये गुजरात का जो पर्टिकुलर जो जितना मतलब कि जंगल जंगल विस्तार है वहाँ पे कितने मतलब कि ऐसे जहरीले सांप देखने को मिलते हैं? जहरीले खाली चार निकले हैं। हाँ। वहाँ पे जो गुजराती में बोलते हैं ना एक फोरचा। हाँ। फोरचा। हाँ, अच्छा। और इंडियन में वाइपर बराबर बराबर। एक हाँ। कोबरा। कोबरा और स्नेक रेटेक स्नेक बराबर। वो तो मैंने तो देखा ही नहीं है। हाँ, एक हमारे गुजराती में क्या बोलते है वो काड़त्रो। काड़त्रो बराबर। कामड़ियो। हाँ। फोरचू। हाँ। नाक बराबर। बस तो चार ये
ये चारों के चारों सांप मतलब कि जहरीले हैं। बाकी के जितने भी सांप मतलब कि देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे उसमें जहर नहीं होता है। जहर हाँ जहर नहीं होता है, मतलब होता है या नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता है। नहीं होता बराबर। तो ऐसे जानवर को देखिए, चार चार सांपों से सावधान रहिए। बाकी के जितने भी सांप अगर देखने को मिले तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखे, वो अपने आप मतलब कि अपनी जगह खाली करके चले जाएंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये भाई ने जैसे मतलब पंकज भाई ने जैसे बताया है वैसे ही आप मतलब कीजिए। किसी भी जानवर को मारने का अधिकार इंसान को नहीं है, आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जैसे आप लोग जी रहे हैं वैसे जानवरों को भी जीने का हक है। सो पंकज भाई से बात करने के बाद इनका हाँ ठीक है, एक और बात सुन लेते हैं पंकज भाई की। सांप लोग के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, हमारा पैर होते हैं। किसी के साथ झगड़ा होता है तो उसके साथ आप हम हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन सांप लोग का नहीं होता, इसीलिए इसको जहर दांत देते हो उसके का बाइट करते हैं ये लोग, इसीलिए बाइट करते हैं। लेकिन वो लोग जहरी रहते ना, इसीलिए वैसे खाली ऐसा ही करते हैं, लेकिन दूसरी बार जो आपको छेड़ते हो ना उसको उसको छेड़ते हो तो ये बाइट जहर के साथ बंद कर, उसमें एक दांत मतलब पहले अगर उसने डस लिया तो उसमें जहर नहीं छोड़ेगा। देखिए ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन आप मैं भी आज मतलब कि ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा। आप अगर पहली बार में अगर सांप ने काटा है तो वो जहर नहीं लगता है, दूसरी बार अगर काटेंगे ना वो मजबूरी में कटता है, जब तक मतलब उसको छेड़ेगे नहीं तब तक ये लोग आपको डस भी नहीं सकते। बराबर, क्योंकि उसको जो आप पैर रखते थे, कोई हाथ रखते थे, कुछ इसको मजाक करने के लिए वो रखते है, वो हाँ उसको छेड़ते हैं ना तभी ये काटते हैं, तभी काटेगी ये। ठीक है, तो पंकज भाई आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मिलते हैं किसी दिन आपका मतलब कि बैठ के इंटरव्यू करेंगे। ये अभी तो हम लोग मतलब आदिवासी प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो आपका मैं कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास है ही, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपसे मिलने आऊंगा। एनी टाइम फोन कीजिए। ठीक है रात को भी फोन करके, सुबह में फोन करके, रात को फोन करके। हां वैसे देखो जितने भी लोग मतलब कि वीडियो देखेंगे कहीं पे भी आपकी जरूरत होगी तो आपको पहले फोन आ जाएगा। व्यूअर्स आप मतलब कि इतना ध्यान रखे कि आप लोग एक बार कहीं पे भी अगर आपको जरूरत करके आया। हां मैं लेट पहुंचा, उसने जो हमारा जो प्रोग्राम था उसमें लिस्ट में नाम लिखा था मेरा, बराबर, लेकिन हमें अभी एक रेस्क्यू करके आया। अच्छा पंकज भाई मुझे अगर मेरे व्यूअर्स को कोई जहरीले सांप अगर दिखाना हो तो ऐसा कोई आप मतलब ट्रीटमेंट है वो काट, किसी को भी काट लिया हमारा ये श्रीजी हॉस्पिटल बांसला में है, श्रीजी बांसला में इंजेक्शन फ्री है, बराबर वहाँ पे। अच्छा। जो यहाँ से जो ट्रांसफर करेगा साईनाथ हॉस्पिटल धर्मपुर, बराबर वहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए उसका जो इंजेक्शन है एम्बुलेंस भी फ्री है। आपने तो सर मोदी साहब ने ये तो किया है। सही बात है, कांग्रेस हो कि मोदी साहब हो कि जो कुछ भी कोई भी हो, लेकिन इंसान बचना चाहिए, बचना चाहिए, बस मेरे को इतना ही चाहिए। यही चीज है, किसी को भी हो श्रीजी हॉस्पिटल नजदीक के हॉस्पिटल में जो कुछ भी का सांप जनावर ने कुछ कितने भी काटा जो पहुँच जाएंगे श्रीजी हॉस्पिटल वहाँ पे इंजेक्शन हमारे नाम से फ्री है। बराबर, कोई भी आदिवासी नाम पे कोई भी पूरे गांव के लिए तालुका जिला बाहर से भी आएगे होंगे कहाँ भी होएगी ऑल इंडिया में वहाँ पे फ्री है। थैंक यू पंकज भाई, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक बार हम लोग साथ में बैठ के एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मतलब कि सांप भी दिखाएंगे और जंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू पंकज भाई, मैं आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, फिर से मिलेंगे एक बार। ખુબ સરસ ખુબ સરસ આજે માટલા છે એમાં ભાત એટલે ડાંગર
અને એના ઉપર સાગનું પાકરું આંબાડી એટલે કે અહીંયા એની ભાજી પણ દેવમાં જ્યારે પૂજા અર્ચન થાય ત્યારે એમનું ખૂબ મહત્વ હોય છે અને એમના સાથે દોરા એટલે સુખર અને મોરની પીઠ સાથે જે દિવાળી દરમિયાન ડાંગમાં આવા બહેનો ખાસ કરીને ધાર્મિક કાર્યક્રમ નિમિત્તે શુભ અવસર નિમિત્તે આજે કાર્યક્રમ કરતા હોય એ ડેરા વાદન આપણે નિહાળ્યું અને ખરેખર ખૂબ સરસ કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આજે પણ આપણે નિહાળી શકીએ છીએ જોઈ શકીએ છીએ એનો આનંદ માણ્યો અને વિશેષમાં આજે જનજાતિ કલ્યાણ આશ્રમ સંપૂર્ણ ગુજરાતના ભાગરૂપે જે આદિવાસી ધર્મ સંસ્કૃતિ મહોત્સવ અને સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન માટે તોરણ્યા દેવ પર જે માવલી પૂજા અને આદિવાસી સમાજમાં વિશેષ રૂપે જે કાર્યક્રમોનું આયોજન થતું હોય છે એ દરેક એક કૃતિના ભાગરૂપે આપણે જોયું. બધાને રામ રામ. આગળનો કાર્યક્રમ યોગેશભાઈ ધ્યાન દોરશે. બિલકુલ દાદી જાણશે કેમ ને ચાલે આપણે જે તમે બધી તમારા વડીલ લોકો જે સાચી રાખેલી પરંપરા એ જ્યાં સુધી સુરક્ષા બરાબર ના ખૂબ સરસ અને આવી કૃતિ ચાલુ રહે આપણે સાંસ્કૃતિક વાદનો આપણા બચી રહે. હવે ખરેખર દરેક જુવાન કે યુવા મિત્રનો દાદી માટે તાળીઓ વધાવી દેજો. ખરેખર આજે માહિતી આપી જનજાતિ કલ્યાણ આશ્રમ સમગ્ર ગુજરાત તરફથી જે કાર્યક્રમ આદિવાસી ધર્મ સંસ્કૃતિ ભારત માતા કી. આગળ વિશેષ ફૂલચંદભાઈ સમજી લઈએ છીએ. ખૂબ આનંદ થયો. દર વખતે દર વર્ષે આજનો આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. અમે લાઈવ પ્રોગ્રામમાં મૂકવાના છે. સો દોસ્તો અભી ફિલહાલ યે યહાં પે પ્રોગ્રામ ખતમ હુઆ હૈ ઓર જે મતલબ કે યહાં કા જો કાર્યકર્તા હૈ ઉસકે સાથ સાથ યહાં કા જો મતલબ કે આદિવાસી કે લિયે સબસે જ્યાદા મતલબ કે મદદગાર હૈ ઇનસે થોડી સી બાત કરતે હૈ. વૈસે મેને પહેલે ભી શૂટ કિયા હુઆ હૈ લેકિન આજ મતલબ કે ડાયરેક્ટલી હમ લોગ ઇન્ટરવ્યુ સે હી ડાયરેક્ટ હમ જાનને કી કોશિશ કરેંગે કે ઇનકા મંતવ્ય કૈસા હૈ યહાં કા. સો સર આપ આપના થોડા સા બતાઈએ કે ક્યા મતલબ કે યહાં પે પ્રોગ્રામ મે કૈસા રહા. આજ ભજન સંધ્યા મે કાર્યક્રમ આજ રોજ હમ લોગો ને જનજાતિ કલ્યાણ આશ્રમ ગુજરાત સે મિલ કે અપને સાઉથ ગુજરાત કે જીતને ભી આદિવાસી લોગો હે ઉનકો સાથ મિલ કે યહાં પે એક પ્રોગ્રામ કા આયોજન કિયા થા ઓર આજ હમ યે પૂરા પ્રોગ્રામ પ્રકૃતિ કી પૂજા કી તરફ લિયા હુઆ હે. યે તોરણ્યા દેવ કે સ્થાન કે નીચે હમને યે પૂરા પ્રોગ્રામ કિયા ઓર યહાં ઇસ ડુંગર કે આસપાસ જીતને ભી દેવ હે ઉન સબકો સબસે પહેલે ઉનકા આશીર્વાદ લેકે યે પ્રોગ્રામ કા હમને સ્ટાર્ટ કિયા ઓર સબસે પહેલે પૂરે 2 કિલોમીટર કા હમને જનજાતિ સાઉથ ગુજરાત જનજાતિ લોગ હૈ ઉનકા સભી નૃત્ય કો નૃત્ય કરતે હુએ યહાં સભા સ્થળ તક લાએ પૂરે 2 ઘંટે તક યે પ્રોગ્રામ ચલા જિસમે હમારે સાઉથ ગુજરાત મુખ્ય જનજાતિ લોગ હૈ ઉસમે ડોડિયા હૈ તો ડોડિયા કા વો ગેર નૃત્ય હૈ ગેરિયા ડાન્સ હૈ ફિર પાવરી ડાન્સ હૈ પાવરી નૃત્ય હૈ દૂસરા હૈ તારપા યે સબ સાથ મે મિલ કે ઓર હમારે દેવ લોગ હૈ ઉનકો ભી સાથ મે લેકે યહાં તક આયે ઓર સાથ સાથ મે આજ હમને પ્રકૃતિ કા ભી હમકો બહોત સાથ દિયા પૂરે બારિશ હોતી રહી લેકિન પૂરી બારિશ મે લોગો કા જોશ બઢતા રહા ઓર હમને જીતના એક્સપેક્ટ કિયા થા
उससे बहुत ज़्यादा लोग इधर पधारे। साथ साथ में ही हमारे अखिल भारतीय जनजाति कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी भी यहाँ आए हुए थे छत्तीसगढ़ से, तो उनके उनके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। तो ये प्रोग्राम मतलब कि आपके हिसाब से बहुत ही खूबसूरत रहा, प्रकृति ने भी साथ दिया है। ये मतलब कि ऐसे ही प्रोग्राम हर साल आप करने वाले हैं क्या? हाँ, ऐसे प्रोग्राम हम हर साल इसलिए करने के सोच रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं और ये दुनिया बहुत आगे बढ़ने लगी। साथ साथ में हमारे प्रकृति के साथ साथ हमारे जो नृत्य है, साथ साथ में वाद्य है, ये सब हमारे परंपरागत है। ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ चले आते हैं, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इसको बचाने के लिए हम हर साल इसका आयोजन करने के लिए अभी सोच रहे हैं क्योंकि इसको बचाएंगे तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। सही बात है, ये बात तो सही है क्योंकि अभी जंगल भी थोड़े जितने मतलब पहले थे वैसा रहा नहीं है। सर, ये अभी पहले के समय में आप मतलब कि आप तो बहुत सालों से मतलब कि ये प्रकृति को देख रहे हैं, तो पहले के समय में और अभी के समय में क्या आपको अंतर लग रहा है? जैसे मौसम के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ। कि मौसम कैसा, मतलब कि अभी तो कभी भी बारिश हो जाती है। आप लास्ट दो सालों से देख रहे हैं कि अब हर महीने बारिश हो रही है। हमारे परंपरागत जो भी धान्य है उसकी खेती करनी मुश्किल हो गई है क्योंकि वो अभी बारिश हुआ है, तो अभी हम आम के पाक भी फेल हो रहे हैं। इसलिए ये पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं पूरे मंथ, आज आप देखेंगे तो राजकोट में बर्फ गिरी हुई है। ऐसा आप कोई सोच भी नहीं सकते कि ये नवंबर के महीने में आप बर्फ। तो हमको हम धीरे धीरे पर्यावरण को भूल रहे हैं, तो ये पर्यावरण को हमको वापस डेवलप करना पड़ेगा। साथ में हमारी जो पूरी जनजाति है उनको अपनी संस्कृति को संभाल के रखने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम सबसे आदि अनादि काल से यहाँ जीते आए हुए हैं और हमारे से ही पूरा हिंदू धर्म और पूरा जगह हुआ है, बना हुआ है, तो उसको हम एक ही है, तो हमको उसको संभाल के रखने की, हम उसको खो देंगे तो हम अपना अस्तित्व मिट जाएगा। उसको बचाने के लिए हमको हमारी संस्कृति हर हमें इसको बचा के रखना चाहिए। इसलिए हर जगह पर ऐसे कार्यक्रम रखना चाहिए और साथ में हर संस्कृति को हमको संभालने का दायित्व लेना चाहिए। सही बात है। तो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम ऐसे मतलब कि अगले साल अगर बारिश नहीं हुई तो इससे भी बड़ा प्रोग्राम करने की इच्छा आपकी होगी ना? हाँ, इससे भी अच्छा। हर साल इसमें कुछ लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ। आज इस बार जितने भी लोग देख के आए तो वो दूसरे को देख के लाएंगे। और हमने ये प्रोग्राम ऐसे किया कि हमने जो हम लोग प्रकृति से लेते हैं वही खाना भी ऐसा ही दिया हुआ है। और सब ऐसे ही किया कि हमने कुछ मंडप नहीं रखा, पूरा खुले में ही जो करते हैं। हाँ, तो दिख रहा है आपको दिखेगा कि कहीं भी हमने ऐसा कुछ रखा नहीं। एकदम प्रकृति के साथ जुड़ो और प्रकृति का लहाव लो। ये मतलब कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब कि सिर्फ छोटा सा स्टेज है, ज़्यादा कुछ मतलब कि यहाँ पे रखा नहीं गया, पूरा प्रकृति का मतलब कि जितना मतलब कि जरूरत है उतने ही आपने मतलब कि यूज़ किया है। ये बात तो सही है। तो हम एक प्रण लेना चाहेंगे कि हम प्रकृति से जितना लेते हैं उससे 10 गुना हमको उसको देना चाहिए। सही, आप एक पेड़ काटते हो तो आपको 10 पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो ये धीरे धीरे पृथ्वी रहने लायक रहेंगी नहीं, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हाँ, सही बात है। जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो इंसान कैसे बचेंगे? क्योंकि हम जनजाति लोग हैं। हाँ। जो आदि अनादि काल से जीते आए हैं, ये हमारा ये यहाँ से हमारा अस्तित्व रहा है, तो हम ही सबसे पहले प्रण लेना चाहिए कि हमको ये प्रकृति को बचा के रखना चाहिए और सबको ये संदेश देते रहना चाहिए, प्रकृति बचाएंगे तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। सही बात है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जय जोहार। जय जोहार।
इतना मोटा धाम बन जो मुझे है राम 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 એમ આપણે માન રાખીએ તો આ બધું આપણે બધું કામ થાય આપણને એમ ये ब्लॉग हमारा यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे हम लोग का मतलब कि सारा का सारा खाना ये सब मतलब कि हो चुका है। अभी सारे जगह से मतलब कि जितने भी मतलब कि आए हुए थे पब्लिक अभी धीरे धीरे कम हो रही है। तब के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही नए वाले ब्लॉग में।